महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सीट और सीएम दोनों मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी को सत्ता का दामन थामना है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के शीर्ष नेताओं ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विधायकों और संभावित उम्मीदवारों से गुरुवार को मुलाकात की है। आदित्य ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत सहित वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की। पार्टी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के बारे में निर्देश दिए गए और प्रचार के साथ साथ नामांकन पत्र भरने के दौरान उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यह भी बताया गया है। उधर एक कार्यक्रम में शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता और दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ही होंगे। ठाकरे के करीबी सहयोगी और शिवसेना यूबीटी के विधान पार्षद परब ने कहा है कि एमबीए को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता और एमबीए सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव साहब होंगे। जब उद्धव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बांद्रा ईस्ट से विधायक उनके साथ होंगे। परब ने यह भी कहा है कि युवा शिवसेना यूबीटी नेता वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच एमबीए में शामिल कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि 20 से 25 सीटें हैं जिसको लेकर एमबीए के घटक दलों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन सीट की सूची समाधान के लिए प्रत्येक पार्टी के आलाकमान को भेजी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में पटोले ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत में एमबीए के नेताओं की गुरुवार को निर्णायक बैठक हुई है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। मुंबई की सिर्फ 3 सीटों पर फैसला नहीं हुआ है, इस पर शुक्रवार को बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा है कि हम सभी 288 सीटों को लेकर घोषणा के साथ करने के इच्छुक हैं। खैर, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी और मतों की गिनती जो है वो 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी कि महायुक्ति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी सत्तारूढ़ महायुक्ति पर भारी पड़ी थी। एमबीए ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, 17 सीटें महायुक्ति को मिली थी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि गेम चेंजर और सत्ता का सरदार कौन होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।